Hello friends, welcome to Gates Measure. So the next query is, write a SQL query to display the second highest salary from the employee table. जैसा कि मैंने SQL query part 1 में discuss किया था, हम सारी queries जो है इस table के ऊपर बना रहे हैं. ये table है employee का, जहां पे मेरे पास 4 columns है और 1, 2, 3, 4, 5 number of tuples है. तो हमने first part में हमने discuss किया, find the highest salary from the table and एम्प्लॉई का नेम फाइंड करना जो हाईएस्ट सैलरी ले रहा है. अब पार्ट टू में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी. मतलब सबसे पहले तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी क्या है वो फाइंड करेंगे, फिर सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन सा एम्प्लॉई ले रहा है, उस एम्प्लॉई का नेम या आईडी, उस एम्प्लॉई की इंफॉर्मेशन अगर मुझे फाइंड करनी है, देन हाउ वी विल फाइंड दैट इंफॉर्मेशन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ सीक्वल क्वेरी टू डिस्प्ले द सेकंड हाईएस्ट. तो अगर मैं टेबल की बात करूं तो टेबल में हाईएस्ट सैलरी है 50,000, सेकंड हाईएस्ट सैलरी इज 40,000. ये तो मेरे को यहां पे विजिबल है टेबल में, लेकिन टेबल में देख के नहीं मैं आंसर निकाला. हमें तो क्वेरी लिखनी है, सीक्वल की क्वेरी जो हम किसी भी टेबल पे लगाएं विदाउट सीइंग द टेबल, किसी भी टेबल पे लगाएं, बस उस टेबल का नेम मुझे बताओ, कॉलम का नेम बताओ, तो वो क्वेरी सारे टेबल्स पे एप्लीकेबल होगी और वो सारे टेबल्स में सेकंड हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेगी. तो हाईएस्ट सैलरी हम कैसे निकालते हैं, इसको करने का तरीका क्या है, हमें पता है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी को अगर निकालना है तो सबसे पहले मुझे हाईएस्ट सैलरी बताओ. अगर मैं इस टेबल में से हाईएस्ट सैलरी निकाल रहा हूं 50,000 और एक और सैलरी निकाल लूं हाईएस्ट जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज में से हो, मतलब अगर हम इसको कैसे, इसका लॉजिक कैसे डिजाइन करेंगे. लॉजिक हमेशा जब भी सीक्वल क्वेरी को आपने करना है तो उसके लिए आपको एक टेबल पता होना चाहिए. अगर क्वेश्चन में टेबल नहीं दिया हुआ, अगर टेबल नहीं दिया हुआ तो आप एक डमी टेबल बना लो, क्वेश्चन के हिसाब से आप एक डमी टेबल बना लो. जैसे कि ये टेबल मैंने यहां पे दिया हुआ है, तो लॉजिक क्या है इसका कि हाईएस्ट सैलरी है 50,000, तो सेकंड हाईएस्ट का मतलब क्या है, अगर मैं ये 50,000 वैल्यू को एक्सक्लूड कर दूं, निकाल दूं, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज में से हाईएस्ट निकाल लो, तो हाउ टू फाइंड द हाईएस्ट सैलरी मुझे पता है, और उस हाईएस्ट को अगर मैं एक्सक्लूड करना हो तो कैसे करेंगे, बस वो लॉजिक हमें या वो सिंटेक्स हमें एक्चुअल में लिखना है. सो हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम सैलरी, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम टेबल, सिंपल, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम टेबल नेम. सो टेबल नेम इज एम्प्लॉय, सो सिंपल, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम टेबल नेम, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस 50,000. नाउ अगर ये 50,000 को मैं एक ब्रैकेट में रख लूं, लेट से कि ये क्वेरी मेरे को आउटपुट दे रही है 50,000, मैं एक और वैल्यूज निकाल लूं जहां पे 50,000 ना आए. मतलब अगर मैं यहां पे लिखता हूं सेलेक्ट लेट से सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, यहां पे स्पेस का थोड़ा सा, दोबारा लिख रहा हूं यहां पे, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट इक्वल टू को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से, ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो. सो दिस इज द नॉट इक्वल टू. अगर ये नॉट इक्वल टू है तो इस नॉट इक्वल टू का मतलब क्या बना, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट इक्वल टू. तो इनर क्वेरी हमेशा, जब भी ये नेस्टेड क्वेरी की अगर मैं बात करूं तो इनर क्वेरी एक बार आउटपुट देगी, मतलब एक बार एग्जीक्यूट होगी और आउटपुट दे देगी 50,000. अब मुझे इसको कंपेयर करना है बाहर वाली सैलरी से, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, व्हाट इज द सैलरी, फर्स्ट सैलरी 10,000 नॉट इक्वल टू 50, ट्रू. 20,000 नॉट इक्वल टू 50, ट्रू. 30,000 नॉट इक्वल टू 50, ट्रू. तो इस तरीके से वैल्यूज यहां पे कंपेयर करेंगे हम. यहां पे मेरी सारी सैलरीज आ गई 30, 40 एंड 50. हमने लिखा ना वेयर सैलरी
एम्प्लॉय टेबल से, वेयर सैलरी मतलब ये सारी सैलरीज की वैल्यू आप यहां पे लिख लो, नॉट इक्वल टू इनर क्वेरी की आउटपुट। इनर क्वेरी की आउटपुट क्या है? 50,000, क्योंकि इनर क्वेरी सिर्फ एक बार चलेगी और उसको हम यहां से नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब भी नेस्टेड क्वेरी या सब क्वेरी में हम करते हैं, इनर क्वेरी सिर्फ एक बार चलती है, बिकॉज ये डाउन टू अप अप्रोच है। पहले डाउन मतलब इनर क्वेरी एक बार चलेगी, 50,000 आउटपुट आ गई, अब बाहर वाली सारी वैल्यूज को कंपेयर करो 50,000 से। तो 10,000 को कंपेयर करें, 10,000 नॉट इक्वल्स टू 50, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। 20,000 नॉट इक्वल टू 50, ट्रू। 30,000 नॉट इक्वल्स टू 50, ट्रू। 40,000 नॉट इक्वल्स टू 50,000, ट्रू। 50,000 नॉट इक्वल्स टू 50, दिस इज फॉल्स। तो यानी यहां पे मेरे पास 50,000 वाली जो रो है वो नेगलेक्ट होगी, रेस्ट ऑफ ऑल फोर रोज विल बी सिलेक्टेड। तो आउटपुट में क्या आ गया? 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। ये किसकी आउटपुट बनी? ये उस क्वेरी की आउटपुट बनी कि मेरे को सारी सैलरीज को डिस्प्ले करना है अदर देन द मैक्सिमम सैलरी। आप कह सकते हो ये चार वैल्यूज आई, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सैलरी क्या है? ये 10, 20, 30, 40 आउटपुट में आ गई। बट अगर हमने मैक्सिमम सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाउंड आउट करनी है, तो ये जो क्वेरी ने आउटपुट क्या दी कि अदर देन द मैक्सिमम सैलरी सारी क्वेरीज को प्रिंट करवा दो, तो सारी क्वेरीज, सारी सैलरीज प्रिंट होगी, सारी सैलरीज मेरी यहां पे प्रिंट होगी। लेकिन इन सारी सैलरीज को प्रिंट नहीं करवाना, हमारा क्वेश्चन क्या है? सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो हमने लॉजिक क्या लगाया? हाईएस्ट सैलरी को निकाल दिया, बची हुई इन क्वेरीज में से अगेन मैक्सिमम फाइंड कर लो, बची हुई क्वेरीज में से अगेन मैक्सिमम फाइंड कर लो। सिंपल, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट इक्वल टू दिस। तो रेस्ट ऑफ द क्वेरीज क्या है? रेस्ट ऑफ द सैलरीज 10, 20, 30, 40,000, उनमें से मैक्सिमम क्या है? 40,000। सो आउटपुट में एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज 40,000। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली फाइंड आउट कि कैसे हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी को प्रिंट करवाते हैं। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी तो प्रिंट होगी यहां पे, दिस इज द लॉजिक। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेरी, राइट अ सीक्वल क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम हु इज टेकिंग द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। अब ये मेरी आउटपुट, ये पूरी क्वेरी ने क्या दिया? 40,000 दे दिया। इस 40,000 के कॉरेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय का नेम क्या है वो फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सिंपल, बाहर एक बार फिर लिख देते हैं हम क्वेरी। इस पूरी क्वेरी को अगर आप देखो ध्यान से, सेलेक्ट मैक्स सैलरी ये इंक्लूड करके है, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट इक्वल टू दिस। इस पूरी को मैं एक ब्रैकेट में रखता हूं, इस पूरी वैल्यू को एक ब्रैकेट में रखते हैं और बाहर एक और क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, कुछ मर्जी फाइंड कर लो आप, एम्प्लॉय नेम, उसका डिपार्टमेंट, ईआईडी या स्टार लिख लो, चाहे सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम चाहे स्टार लिख लो, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू। इन भी यूज कर सकते हो, इज इक्वल टू भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इज इक्वल टू और इन में क्या डिफरेंस है? इज इक्वल टू हम तब यूज करते हैं जब हमने कंपेयर करना है सिर्फ एक वैल्यू से, जब हमने एक वैल्यू से कंपेयर करना है। इन हम कब यूज करते हैं? जब हम मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 2 इज इक्वल टू 2 और नॉट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक एक वैल्यू है। अगर मैं चेक करना चाहूं 2 इज इक्वल टू 1, 3, 2, 4, 5 और नॉट, ये क्या बात बनी? 2 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और नॉट? नहीं, अगर आपको इस तरीके से चेक करना है, मतलब एक वैल्यू को अगर कंपेयर करना है मल्टीपल से, सो बेटर राइट इन, 2 इन 1, 3, 2, 4, 5, इस तरीके से अगर आप कंपेयर करोगे तो आउटपुट क्या देगा? ट्रू, बिकॉज 2 इज इंक्लूडेड इन दिस। तो यहां पे आप चाहे इन यूज कर लो चाहे इक्वल टू यूज कर लो, इस क्वेरी में ये प्रॉपर काम करेगा। इन केस अगर मल्टीपल वैल्यूज दे रहा है ये, तो हो सकता है कि हमें यहां पे इन यूज करना पड़े। तो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, अब हम इसको, इस पूरी क्वेरी ने, इनर क्वेरी ने क्या आउटपुट दी?
40,000. पूरी इनर क्वेरी ने क्या आउटपुट दी? 40,000. उसको कंपेयर किया, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी इज इक्वल टू दिस. अब यहां पे सैलरी दोबारा लिख लो 10, 20, 30, 40, 50. 10K, 20,000, 40,000, 50,000. अब 10,000 इज इक्वल टू 40, फॉल्स. 20 इज इक्वल टू 40, फॉल्स. 30 इज इक्वल टू 40, फॉल्स. 40 इज इक्वल टू 40, ट्रू. सो 40 के कॉरेस्पॉन्डिंग व्हाट इज द एम्प्लॉई नेम? नितिन. सो क्या प्रिंट हो जाएगा? नितिन. सो दिस इज हाउ वी राइट द सब क्वेरीज. अब देखो, क्वेरी के अंदर एक क्वेरी, उस क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी, हमने तीन क्वेरीज को लिखा. लेकिन अगर आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा यार ये कैसे फाइंड आउट करना है. लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, तभी मैं वीडियोस कैसे बना रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे एक क्वेरी लिखेंगे फिर इनर क्वेरी स्टार्ट करेंगे. जितनी भी टाइप ऑफ सब क्वेरीज हैं, चाहे वो कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी है, चाहे क्वेरी फ्रॉम सोर्स है, चाहे मल्टी एट्रीब्यूट क्वेरी है, सारी टाइप की क्वेरीज को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वन बाय वन, ताकि आपको क्वेरीज को फ्रेम करना आ जाए. अगर आपको क्वेरीज को फ्रेम करना आ गया, क्वेरीज को बनाना आ गया, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेरी दी होगी, चार ऑप्शंस हैं, फाइंड आउट करो आउटपुट क्या होगी. या आउटपुट दी हुई है, चार क्वेरीज है, फाइंड आउट करो कि कौन सी क्वेरी सही आंसर दे रही है. तो जब क्वेरीज ही दी हो तो मैं इजीली फाइंड आउट कर लूंगा. और अगर मुझे क्वेरीज को फ्रेम करना आता है, फिर तो उससे ऊपर कोई बात ही नहीं है. बिकॉज जो बंदा क्वेरीज को फ्रेम कर सकता है, लॉजिक लगा सकता है, वो सारी की सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकता है. और मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि यही एक ऐसा टॉपिक है जहां पे स्टूडेंट्स इंटरव्यूज में, दिस इज नॉट ओनली फॉर गेट, गेट में तो जरूरी है ही, यूजीसी नेट में जरूरी है, पीएसयूज के एग्जाम में जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके इंटरव्यूज में. क्योंकि इंटरव्यूज का टाइम चल रहा है, तो ऑब्वियसली जितनी भी कंपनीज आ रही हैं, जहां पे भी डेटाबेस के क्वेश्चंस पूछने हैं, वो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो कहां से पूछने की कोशिश करेंगे? सीक्वल में से. और सीक्वल में कहां फंसते हैं स्टूडेंट? नेस्टेड क्वेरी में से. तो आप एक एक करके इन वीडियोज को फॉलो करते जाओ. दिस इज ऑल अबाउट द सब क्वेरीज पार्ट टू. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.